हमारे तो भाग खुल गए, दो दो लीजें एक साथ बैठे हैं। भाग खुल गया, तेरा गमछा भी खुल गया। अरे गमछे का तो हमको शौक है। क्या बात है, मजा आ गया आपको देख के। बनवारी लाल किससे पूछ के अंदर आए तुम? भगवान से। क्योंकि क्या है, भगवान दिल में रहते हैं, दिल ने कहा जाओ तो हम आ गए। तो तेरे दिल में भगवान कहां से आ गए? तेरे दिल में तो छेद था ना? छेद था, लेकिन डॉक्टर ने कहा रोज अंडा खाओ, तो हमने लगातार दो दिन तक अंडा खाया, छेद भर गया हमारा। दो दिन अंडा खाने से छेद भर गया। छेद होता इतना सा, अंडा होता इतना बड़ा, तो हमने खाया, बल्कि डॉक्टर ने कहा अंडा तुम्हारा ज्यादा हो गया, तो हमको कल अंडा देना पड़ा एक। यहाँ पे क्या करने आए तुम? यहाँ पे अरे इतने बड़े यहाँ पे सिंगर बैठे हैं और एक यहाँ पे एक राइटर है, तो कोई क्यों आएगा भला? यूं ही आएगा ना, तो यूं ही आए हम। बैठ भी गए। वो तो आपको जानते नहीं, कौन है आप? बहुत बड़े लिरिकिस्ट हैं हम। क्या बोले? यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिरिकिस्ट ही है। अच्छा। अरे आपको मालूम नहीं है, हम अपने एरिया में सून टू बी फेमस भोजपुरी लिरिकिस्ट होने वाले हैं, बहुत फेमस। अच्छा अच्छा, कौन से गाने का मतलब आपने लिखा है? गाना हमने बहुत लिखा है, जैसे लेकिन किसी ने सुना नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने गुप्त रखे हैं गाने। हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, एक गाना है वो 36 नंबर का, तू ही रे तू ही रे। मुझे लगा कि मैं लिखा हूँ गाना। नहीं नहीं, इन्होंने गाया वो गाना बॉम्बे में। आप झूठ बोल रहे? अरे यार आप समझे नहीं, इन्होंने बॉम्बे में वो गाना गाया है, ये गाना कोई और है, हमने जौनपुर में लिखा है इसको। बहुत फर्क है। इस गाने को छोड़ो, एक और गाना है जो बड़ा फेमस है, जुबान पे लागा, इस तरह का रोमांटिक है, जुबान पे लागा लागा रे शुगर इश्का। शुगर इश्का तो मैंने गाया, नमक इश्का है वो। नहीं, इनके घर की हालत देखते हुए पता नहीं चलता है नमक और शुगर कहाँ है कौन। अरे हम बता रहे हैं, आपके कल हम हस्बैंड के पास गए थे, विशाल जी के पास। कब? हाँ तो हमने कहा विशाल मिलने के लिए गए थे उनके स्टूडियो। कौन सा स्टूडियो? वो जो है लैंप पोस्ट के पीछे जो है, लैंप पोस्ट जहाँ पे बाजा वाजा रहता है। कल वो वहाँ थे नहीं? विशाल जी नहीं थे? कल वहाँ नहीं थे। तो शेखर होंगे फिर? शेखर वाला तो विशाल डडलानी है ना, पर हाँ उन्होंने तो धक्का मार के निकाल दिया था। हम विशाल जी विशाल भारद्वाज जी के पास गए थे। पर विशाल भारद्वाज जी कल वहाँ थे ही नहीं, वही तो कब थे वहाँ पे? बताइए कब थे? क्या करने? परसों थे? छोड़ो ना। नर्सों थे? नहीं। एक महीना पहले थे? नहीं थे। दो महीना पहले? नहीं थे। तो गाना का बाथरूम में बैठ के बनाते हैं बाथरूम में बैठ के भी बनाते हैं, खेल के आते हैं तब भी बनाते हैं, सो के उठते तब भी बनाते, कई बार आंख ऐसे करके खोल देते हैं मेरी, कहते हैं सुनो देखो मैंने। चलिए ठीक है, विशाल जी से हम बेडरूम में मिले उनके। हम विशाल जी से मिल लिए ना, मान लो ना हो गई बात। बात सोच के आए हैं, घर से बोलने का मौका ही नहीं दीजिए। क्या है, जब तक विशाल जी से नहीं मिलेंगे तब तक वो बात निकलेगी नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताएं? हम तो भूल ही गए बातों बातों में। क्या इन दो फेमस सिंगरों के अलावा, हरिहरन जी आपके अलावा और मैडम रेखा जी आपके अलावा, एक बहुत फेमस सिंगर और है यहाँ पे। और कौन है? अरे हमारी वाइफ। कहाँ है वो? अच्छा बहुत फेमस सिंगर है। अच्छा अरे वो तो इन दोनों की इतनी बड़ी फैन है, बस में आ रही थी, बहुत भीड़ थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, तो ड्राइवर की गोद में बैठ के आ गई। यानी तो मिलना है तो बस मिलना है। ए सोना, ए सोना, आओ आओ आइए सोना। ए आओ आओ, आप खड़ी रहिए हम बैठेंगे। नाइस वन।
बहुत हमारी वाइफ है, सोना है ना, सोना है, बहुत पसंद करती हैं आप दोनों को, बहुत फैन है आपकी। नमस्ते सोना, नमस्ते नमस्ते। इनका मुंह नहीं है, है? दिखाती नहीं है? अरे हमने खुद नहीं देखा है अब तक। हमने क्या मतलब, इन्होंने ही किसी का मुंह नहीं देखा है अब तक। तो लोगों की जूतों चप्पलों से पहचानती है, ताऊ जी हैं, ये मामा जी हैं, फूफा जी हैं, चाचा जी हैं, चप्पल जूता से पहचान लेती। हमको टेंशन उस दिन होता है जिसने जिस दिन चप्पल जूता किसी का इधर उधर बदला जाए, नहीं आता है रात को। तो ये क्या करके बताएंगी हमें, है? क्या करके दिखाएंगी? अरे बहुत टैलेंटेड है ये, तो पूछो मत इनका तो है। संत तोहरा इनका हाथ देख के हम रिश्ता फाइनल किए हैं, पता है? शकल देखी ही नहीं, ये हाथ देख के। आपका जो गाना है ना नमक, इसका इनके ऊपर बहुत सूट करता है। कैसे? ये जब जाती हैं बाहर धूप में काला सूट पहन के, तो पसीना आ जाता है इनके सूट पे। तो जब पसीना आ जाता है तो वो नमक इकट्ठा हो जाता है ना पसीने से, इतना ज्यादा पसीना आता है और उससे इतना ज्यादा नमक आता है, लोग इनको टाटा टाटा कहते हैं। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। नाम क्या है भाभी जी का? इनका है पामेला एंडरसन। पामेला एंडरसन? अभी तो सोना कहा था आप, तो सोना बोल रहे थे अभी। ओ प्यार से बोलते हैं, नाम तो कागजी नाम तो पामेला एंडरसन है ना। आपको पता भी है पामेला एंडरसन कौन है? हाँ हमारी बीबी है, और कौन है? अभी असली वाली, हाँ जो समुंदर में काम करती है वो वाली। हाँ वो समुंदर में नहाती है, छपरी में नहाती है, बस यही फर्क है। और क्या? लेकिन ये टैलेंटेड बहुत है मालूम है। क्या टैलेंट है इनमें? ए लिखती बहुत अच्छा है, पर्ची तो निकाल जरा जो लिखा है। कहा ना शर्माती है। ओहो लिखती भी है ये? लिखती है। तो फिर आप क्या करते हम इनका पब्लिसिटी लिखा है ना के नयन बा नसीली दांत बा कटीली गाल जैसे बड़ा पाओ पाओ। नयन बा नसीली दांत बा कटीली गाल जैसे बड़ा पाओ पाओ, होंठ बा गुलाब ढेर लागे कबाब बोली जैसे कौवा करे काव काव। हो गई नहीं हम तोहरी जवानी में, दादा रे दादा गई भैंसिया पानी में। क्या बात, क्या बात है, टैलेंटेड है इनकी भाई। बाप रे कमाल है। क्या करती हैं और क्या कर लेती हैं ये? और थोड़े दिन पहले वो रिंग फेंक के इन्होंने साबुन जीता था। इन्होंने साबुन जीता और फिर साबुन कंपनी वाले पीछे पीछे भाग रहे थे कहीं यूज ना कर ले, उनका ब्रांड खराब हो जाएगा। बहुत देर से हम देख रहे हैं हमारे वाइफ का तुम मजाक उड़ा रहे हो, हैं? ऐसा मजाक नहीं उड़ाने देंगे। ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा इनको, थोड़ा थोड़ा देखा भी है। क्या देखा? देखा तुम हमारी वाइफ लेके घूम रहे, शक्ल तुमने आते देखी नहीं उसकी? थोड़ा देखे भी हैं, ऐसी बात नहीं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ए पामेला एंडरसन अभी आया नहीं है दुनिया में, आएगा देखना। ए पामेला जरा दिखाओ तो। जरूर किसी शायर की गजल से कम नहीं होगी शक्ल, देखना। अरे एंजेलिना जोली तुम? पामेला कहाँ है? हमारी बीवी नहीं है। तो खुद ही तो बोल रहे तुम्हारी बीवी है। अरे नहीं नहीं हमारी बीवी तो पामेला है, ये तो एंजेलिना जोली। अरे ब्रैड बहुत पीटेगा हमको, चल आ जा। तू कहाँ से आ गई? स्टेशन से किसको उठा लाए आप? हाँ नहीं लाया, ये बस का ड्राइवर है जिसकी गोद में बैठ के हमारी बीवी आ गई। साड़ी कैसे पहन ली तुम उसकी? अरे क्या करती है तुम्हें, ऐसे कैसे शौक पाले हैं तुमने? आदमी लेडीज बनता अच्छा लगता है क्या?